हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। आज एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए सॉन्ग की नोटेशंस लेके। 1989 की एक हिट मूवी मैंने प्यार किया, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था मैंने प्यार किया, तो उसकी नोटेशंस आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो गीत था इसके बोल लिखे थे देव कोहली साहब ने और इसको म्यूजिक दिया था राम लक्ष्मण जी ने। और ये एक ड्यूएट सॉन्ग है, प्यारी सी आवाजें जो थी वो थी श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब और लता मंगेशकर जी की। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और मुझे याद आ रहा है कि शायद इसी धुन पे एक इंग्लिश सॉन्ग भी है जो मैंने सुना है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सॉन्ग था। तो खैर, नोटेशन एज यूजुअल आपको सरगम नोटेशन में दूंगा, जो सारे गामा है उसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स जो होंगे वो डिनोट करेंगे शुद्ध स्वरों को एज यूजुअल, स्मॉल लेटर्स में रे गा धानी जो हैं वो कोमल रहेंगे, और माँ जो है अगर एम स्मॉल लिख दिया तो माँ तीव्र रहेगा। उसके अलावा जो हमारे ऑक्टेव्स हैं उनकी पहचान कहाँ से होगी, मिडल ऑक्टेव में किसी तरह का कोई सिंबल नहीं रहेगा, सिंपली सारे गामा जो भी हम लिखेंगे एज इट इज। लोअर ऑक्टेव के लिए जो भी हमारा स्वर है उसके राइट साइड के नीचे पैर में एक डॉट या बिंदी रहेगी, और उसी प्रकार से जो हायर ऑक्टेव है उसके लिए राइट साइड के ऊपर नोट के एक डॉट या सिंबल रहेगा। दो नोट्स के बीच की जो स्पेसिंग है तो वो आपको बताएगी कि एक्चुअल में बजाने में उन दो नोट्स में आपने कितना गैप रखना है। हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, बट फिर भी आपको आइडिया रहेगा कि अगर दो नोट्स बिल्कुल साथ में हैं तो इकट्ठा प्ले करना है, अगर बहुत दूर है तो एक नोट बजा के थोड़ा सा गैप देके फिर से आपने दूसरे नोट को बजाना है। तो ये तो रही बात नोटेशंस के फॉर्मेट की, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस सॉन्ग की नोटेशंस। तो फ्रेंड्स, हारमोनिका के हिसाब से बहुत ही सिंपल सॉन्ग है। अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो इसमें कोई मुखड़ा अंतरा वाली बात नहीं है। पहला जो बाला सुब्रमण्यम साहब वाला पार्ट है तो एज इट इज ही लता मंगेशकर जी का जो पार्ट है वो उनके स्वर जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ कि आसान सा सॉन्ग है। एक जगह पे स्लाइडर जरूर लगेगा तो वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बाकी इसको मैं जो सी नोट है जिसको कि हम सा बोलते हैं तो उस नोट से इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए एक बार अभी सा नोट से स्टार्ट करते हैं, स्लो स्पीड पे बजाऊंगा। ये जितना पोर्शन मैंने बजाया दोबारा से रिपीट होगा, बट पहली बार में ये थोड़ा प्लेन था, दूसरी बार में थोड़ी सी वेरिएशंस जो हैं इसमें आ जाएंगी, बजा के देखते हैं। इस तरह आपने देखा सॉन्ग कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा
मुर्कियां या हरकतें वाली जो चीजें हैं वो नहीं है, लगभग ये प्लेन सा ही चलेगा। एक आध जगह पे थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर होगी, बट इसमें कोई स्लाइडर मूवमेंट्स या टच नोट्स जो हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टाइल का एक सॉन्ग है, मेलोडी है इसमें, तो बहुत ज्यादा आपने मुर्कियां हरकतें जो है वो देने की कोशिश नहीं करनी है। एक जगह पे स्लाइडर है, उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये सॉन्ग जो है समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इसको बजा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी इस सॉन्ग की नोटेशंस। आशा करता हूं कि आप जरूर इसको प्ले करेंगे, आपको नोटेशंस पसंद आएंगी, और जो उस जमाने के लोग हैं उस एरा के, तो उनको ये सॉन्ग जरूर पसंद आया होगा उस समय भी, और जरूर इसको ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे विराम लगाते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फ्रॉम